हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन? सो यो व्हाट्स अप रेंजर्स। सो गाइस यार आ गए हैं एक न्यू गेम प्ले के साथ गाइस। और गाइस यहाँ का सीन कुछ ऐसा था, आ गए हम कंटेनर्स पे, लूट अपने चालू कर दी। और गाइस आज के इस गेम प्ले में काफी मजा आने वाला है भैया, मतलब टीम कोऑर्डिनेशन आपको आज के इस गेम प्ले में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस गेम प्ले के साथ बने रहना और अपना बेस्ट पार्ट नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस गेम प्ले इंजॉय करो यार। सो गाइस यहाँ पर किसी बंदे ने एक फ्लेयर चला दी थी, तो यहाँ पर उसका ड्रॉप आ गया था और यहाँ पर दो मतलब स्क्वाड के ऊपर फाइट होने लगी। तो हमने कर दिया भाई उनके ऊपर थर्ड पार्टी, तो देखो यार क्या मस्त मजे लेके उनको मारा है। अभी मेरे पास बंदा, जल्दी आओ। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मतलब जॉर्जो सिटी के भी बंदे आ चुके थे पहाड़ पे, तो भैया वो भी अलग से मजे लेने लगे सस्ते ने शिखर के। तो हमने ड्रॉप से उठाई भाई अपनी फेवरेट ग्रोजा और उनने हमारे लिए ये छोड़ी थी कि आओ भैया और हमको इससे मारो। सो यहाँ पर ये वाला गाइस सो गाइस ये वाला स्कोर तो यहाँ पर खत्म होता है। और यहाँ पर मेरा बहुत अटक रहा है, आई नीड अ स्कोप। सो गाइस पहाड़ पे आ गया था जॉर्जो सिटी का बंदा जो हमारे को बड़े परेशान कर रहा था, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है भाई इधर से मारने की। मिस हो गया गाइस एक, और गाइस नीचे आ गई थी एक और स्क्वाड जो कि हमारा ड्रॉप है, फिर जिसने भी ड्रॉप देख के आ गई थी, तो भैया उसको पेलते हैं मजे लेके यार। रेंजर 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 आ रहा है तेरे पर भाई, फ्रेंड जा यार जल्दी आ, फ्रेंड जा, गन गन जल्दी आ, गन जल्दी आ, गन जल्दी आ, गन से जरा जल्दी 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 हां। सो इसके टीममेट थे नीचे, तो भैया चलो यार इनको जाके अपन खत्म करते हैं गाइस। राजा भाई टायर के नीचे वो, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ राजा भाई, राजा भाई भाई मेरी ब्लीडिंग हो रही बहुत तेज। सो इनको खत्म करने के बाद हमने अपने टीममेट को रिवाइव दिया। और यहाँ पर गाइस एक और स्क्वाड आ चुकी थी जॉर्जो सिटी से, तो भैया इनको पेलना तो हमारा फर्ज बनता है। एक और है, तो बंदे को तो मैं इजीली क्रोजर से मार सकता था, लेकिन अपने पास ऑम है तो भैया इसका फटका देना जरूरी है। तो ये वाली स्क्वाड भी यहाँ पर इजीली भाई कंफर्म हो जाती है। और यहाँ पर एक वॉट आ रहा था, तो ऑम थी हमारे पास, तो वॉट को भी ऑम से मारते हैं भाई। जब एमओ इतनी सारी है तो भाई बचा के कहाँ घर ले जाना है भाई, तो भैया अपन तो ओम ही चलाएंगे। तो यहाँ भाई बहुत ही गंदा सीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आ गई हैं दो स्क्वाड, तो इनकी अलग फाइट चलती है और मेरी अलग, हमारे यहाँ से हमारी अलग फाइट चलती है गाइस। तो यहाँ बहुत गंदा सीन होता है गाइस। और यहाँ पर गाइस आपको देखने को मिलेगा हमारा टीम कोऑर्डिनेशन। तो एक बंदे को मैंने काफी अच्छा हिट दिया ओम का, तो अब देखो यार चार बंदे वहां पर हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वहां पर ऑलरेडी पूरा स्क्वाड भरा पड़ा है। तो भाई साहब मैंने सोचा एक नेट डालते हैं देन पुश कर डालते हैं। दो तीन तो बाहर बैठे हैं इनके,
तो दोस्तों अंदर चल रही थी एकदम कैंपिंग, मतलब कैंपिंग लेवल यहाँ पर हाई था और मेरा बचना इम्पॉसिबल था यहाँ पर। तो गाइस किस किस को लगता है कि यहाँ पर मैं बच जाऊंगा, अगर बच गया तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। गया मैं गया भाई, ये बंदा ना जो अपनी टीम का है एपेक्स हाइपर वाईटी, तो भाई ये भगवान है अपना, आज की इस वीडियो का ये भगवान है, क्योंकि देख रहे हो कितनी कम हेल्थ में मेरे को बचाया है। और गाइस यहाँ पर देखो कितना अच्छा मेरे को कवर दिया हमारे, मतलब फोन नंबर वाले ने, रैंडम था लेकिन बहुत ही अच्छा हमको कवर मिला। अब आ रही थी भाई उनको पेड़ में, क्रोजा से भैया मत बढ़ो यार, नहीं तो भैया महंगा पड़ेगा आपको। अजीब तरीके से बचाया, कौन बचाता है ऐसे, ऊपर दो दो बंदे थे, क्योंकि वो मेरे को बचा रहा था और यहाँ से ये मेरे को रिवाइव दे रहा था, और पीछे बंदे मतलब यार उनकी अलग फाइट चल रही थी, तो मेरा टीममेट बोलता है चल जोन में, लेकिन अपने पास ओम थी तो ओम के जल भी दिखाना बनता है। थोड़ 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 थोड़ा सा भाई राजा यार जोन देखो। सो यहाँ पर ये दो ही बंदे बचे थे, तो भैया इनको पेलने के बाद हम निकल लिए जोन में और यहाँ पर हमारी फाइट चालू हो जाती है। जाते जाते हमने उसको एक नॉक कर दिया, तो यहाँ पर पूरा उनका स्कोर था, तो यहाँ पर अपना एक बंदा तो गाइस यहाँ पर उसके साथ हमारा टीममेट भी चला जाता है, तो भैया यार कोई बात नहीं, मरना तो लगा रहता। और ये बंदा पता नहीं यार कौन से टीपीपी लेके नशे कर रहा था। और गाइस यहाँ पर मिलेगा आपको दुनिया का सबसे बड़ा कैंपर, क्योंकि इसने गाड़ी खरीद कर दी और इसको पता लग रहा है कि मतलब यहाँ पर कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन इस कैंपर ने मेरे को परेशान कर दिया। कम से कम भाई 5 से 6 मिनट कैंप करता रहा और मैं सोचता रहा फायर किया, मैंने वॉट फायर करे कि आजा बंदा आजा, एक पीक ले ले, लेकिन भैया बंदा तो टस से मस नहीं हुआ। much later. अब आ गई थी भाई उसकी मौत की बारी। भैया कैंपरों को यही मतलब यार उनकी नूपंती होती है कि उनको तो लगता है हम छुपे हैं, लेकिन प्रो बंदा भाई उसको कहीं से भी घुस के मार देता है। ये बंदा पता नहीं कौन से सांप के नशे करके बैठे थे। रनिंग हेडशॉट भैया, कैसा लगा गाइस हेडशॉट नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो एक बंदा और भागते हुए आ रहा था और मेरा हो गया शॉट मिस, लेकिन उसने गलती कर दी भाई प्रोन होने की। तो मेरा टीममेट की हेल्थ देख रहा हूँ कितनी डाउन है, लेकिन वो अपनी फाइट लेने के मजे ले रहा था, तो यहाँ पर किसी ने उसको कार 98 का एक शॉट दे दिया। यहाँ पर गलती ये हो गई गाइस कि उसको मैं इजिली मार सकता था, मतलब इजिली ओम का एक सरफटका देता भैया वहीं के वहीं भैया अपन का चिकन डिनर हो जाता, लेकिन मेरी टीममेट ने बोला पहले मेरे को रिवाइव कर। उतने में बंदा आ गया था यहाँ पे और मैं कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन चुका हूँ, क्योंकि ये गलती मेरी है, ओवर कॉन्फिडेंट भाई कभी भी मत होना, जैसे कि मैं हो गया। तो भैया इस गेम प्ले से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आखिर एंड में ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, अपने आप को बड़ा प्रो प्लेयर मत समझो यार, सामने वाला भी आपको पेल सकता है। तो यहाँ पर मैंने गलती ये कर दी गाइस, मैंने सोचा यार मार देते हैं ग्रोजा अपने पास, और मैंने ध्यान नहीं दिया अपनी वेस्ट के ऊपर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई मेरी वेस्ट ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मतलब 95% डैमेज है, तो मैं चल दिया भाई उससे फाइट लेने। लेकिन तो भैया लास्ट तक बंदा आया था और प्रो तो होगा भैया, वो भी नूब नहीं है, तो यहाँ पर इस मतलब रैंडम प्लेयर हमारा टीममेट तो नहीं था यार, तो ये रैंडम प्लेयर को भाई वो इजिली मार देता है और ये बंदा देखता रह जाता है। उसकी टेक्निक भी काफी अच्छी थी, पहले एमओ खर्च कराओ देन उसके बाद रिलोडिंग टाइम पे मार दो।
सो कोई नहीं यार, कोई चिकन डिनर भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमारा गेम प्ले काफी ऑसम गया था। तो गाइज अगर आपको ये गेम प्ले काफी अमेजिंग लगा हो, कुछ भी आपको कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताओ यार, आपकी कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, ओके।